हेलो गाइस, वेलकम बैक टू साइको ट्यूबर। तो आज हम बात करने वाले हैं पार्ट टू ऑफ एमर्जेंस ऑफ साइकोलॉजी द भगवद गीता। जैसे कि आपको पता है, मैं पार्ट अपलोड वन कर चुकी हूँ पहले ही। अगर आपने वो नहीं देखा है पार्ट, तो आप जल्दी से वो पार्ट भी देख लीजिए, ताकि आपको आज का जो लेसन है वो अच्छे से समझ में आ जाए। ओके गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं भगवद गीता का। हम ओवरव्यू करने वाले हैं, क्योंकि हमें भगवद गीता के बारे में थोड़ा सा इसका कंस्ट्रक्शन का वे भी पता होना चाहिए कि इसमें क्या लिखा गया है, इसके कितने श्लोक हैं, कौन से चैप्टर्स हैं और कौन से चैप्टर्स के क्या नेम हैं। तो हमें थोड़ा सा इसका कंस्ट्रक्शन का वे भी पता होना चाहिए। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। तो हम ये सिलेबस को कंप्लीट करने वाले हैं, एमर्जेंस ऑफ साइकोलॉजी। तो मैं कोशिश करूँगी जल्दी से इस लेसन को, आपके यूनिट वन को कंप्लीट कर दूँ इस मंथ के अंदर। ओके गाइस, तो जैसे कि अब हम बात करने वाले हैं भगवद गीता को ओवरव्यू करेंगे हम। तो जैसे कि बात करें, हमने पार्ट वन में बात की थी कि ये एक छोटा सा पार्ट है हिंदू एपिक महाभारत का, उसका एक छोटा सा पार्ट है। और जो सॉन्ग ऑफ गॉड को क्या बोला जाता है, द गीता बोल दिया जाता है। तो भगवद गीता क्या होगी, तो सॉन्ग ऑफ गॉड को रेफर करने के लिए यूज़ किया गया है ये। और ये रिलीजन किससे संबंधित है, ये है सनातन धर्म से संबंधित। और इसके साथ ही इसके ऑथर कौन है, व्यासा इसके ऑथर हैं। और लैंग्वेज है इसकी संस्कृत। और जितने इसके वर्सेस हैं, जिसे कि श्लोक बोला जाता है, हमारे इसमें श्लोक है 700, क्योंकि महाभारत से रिलेटेड ये पार्ट है एक। तो भगवद गीता में सिर्फ डायलॉग्स हैं जो कि कृष्ण जी ने और अर्जुन जी ने आपस में बात की है, उससे रिलेटेड है। तो उनकी जो आपस की बात है, वार्तालाप है, उसको श्लोक बोला गया है। तो इसमें 700 श्लोक हैं जो कि भगवद गीता का पार्ट है। ओके गाइस, तो अब देख लेते हैं कितने इसके पार्ट्स हैं, कौन कौन से श्लोक हैं इसमें। तो जैसे कि हमने बात की है, भगवद गीता इज़ अ डायलॉग बिटवीन लॉर्ड कृष्ण एंड अर्जुन, ठीक है। और महाभारत में इसमें इसकी नरेशन की गई है। और भगवद गीता कंसिस्ट ऑफ 700 श्लोक्स। तो 700 श्लोक्स में से सबसे ज़्यादा 574 श्लोक किसने बोले हैं, कृष्ण जी ने बोले हैं एज अ काउंसलर, क्योंकि वो काउंसलिंग कर रहे हैं अर्जुन जी की, क्योंकि वो एज अ क्लाइंट इसमें हैं। और उनको जो परिस्थिति है उनकी, जो कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो कौन सा रास्ता अपनाएं, तो इस तरीके से उनको ये परेशानी को दूर करने के लिए कृष्ण जी आते हैं। तो उनके ज़्यादा श्लोक हैं, क्योंकि उन्हें काउंसलिंग करनी है, बातचीत करके उनको सही रास्ते में लेकर आना है। ओके गाइस, तो जो 40 वर्सेस हैं संजाया के हैं, और एक वर्स है धृतराष्ट्र का। तो जैसे कि कई आपने सोर्सेज देखे होंगे जिसमें लिखा होगा कि भगवद गीता इस टाइम पीरियड की है, कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड बताया होगा। पर जितना कि मैंने सर्च कर पाई हूँ, ये है कि इसकी जो टाइम डेट है कि ये कब बना होगा, भगवद गीता ग्रंथ कब बना होगा, तो इसके बारे में बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल डेट्स हैं। कोई ऐसी स्पेसिफिक तरीक या आपको डेट नहीं मिलेगी कि ये उस दिन बना हो या उस दिन आपको अवेलेबल हो। तो कई बार बोल दिया जाता है कि ये हंड्रेड्स और सेवरल हंड्रेड ईयर्स बना है बिफोर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट, ठीक है। तो ऐसा है कि कोई स्पेसिफिक डेट अवेलेबल नहीं है। अगर एग्जाम में आपको आता है तो आप सोच सकते हैं कि ये 450 BC के रिलेटेड है, क्योंकि ये 500 साल पुराना एपिक ग्रंथ लिखा गया है। तो इसके बारे में कोई ज़्यादा जानकारी तो नहीं है कि किस टाइम पीरियड का है। अगर बाई चांस आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आप लिख सकते हैं, ऑप्शन चूज कर सकते हैं कि 450 BC के अराउंड, ये महाभारत के आसपास के टाइम पे ये ऐड किया गया था महाभारत में। ओके गाइस, तो जैसे कि हमने प्रीवियस अपने पार्ट वन में भी बात की थी, तो इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देती हूँ कि जो अर्जुन जी हैं एज अ क्लाइंट, जो हमने आज बात की है, उनके पास दो अल्टरनेटिव हैं। ओके, कि या तो अपने ओपोनेंट को किल कर सकते हैं, जिसके ओपोनेंट्स में कौन है, उनके अपने ही ग्रैंडफादर भीष्मा हैं, भीष्म पितामह जिसे बोला जाता था, और उसके साथ ही द्रोणाचार्य हैं, ठीक है। और उसके कज़न सिस्टर्स, जैसे कज़न ब्रदर्स हैं, उसमें तो क्या होगा कि एक रास्ता उन्होंने अपनाना है, उनसे युद्ध लड़ना है, जिसमें उसके खुद के रिलेटिव्स हैं। या फिर वो ऐसा कर सकता है कि वो उनको मारकर अपना किंगडम को इंजॉय कर सकता है। तो वो प्लेजर भी वो नहीं लेना चाहता, कि ऐसी दुविधा में है कि अगर वो उनको मारकर उनका किंगडम ले भी लेता है, उनका राज्य ले भी लेता है, तो भी वो खुश नहीं होगा। अगर वो पीछे हट जाता है, ठीक है, तो क्या होगा उससे, तो फिर क्या होगा, जो उसके साथ इतने सारे लोग आए हुए हैं, तो क्या होगा, तो उनका क्या होगा, ये भी उसका सोचना जिम्मेदारी है उसकी। अगर वो पीछे हट जाता है तो उसकी सेना को सब जो उसके दुश्मन हैं वो मार देंगे। तो इस तरीके से क्या होगा कि उसको तब भी खुशी कोई महसूस नहीं हो पाएगी। तो इस तरीके से वो प्रॉब्लम में फंसा हुआ है,
कि सिंपल वे में आपको बता रही हूँ गाइस, तो संस्कृत में है ये सारा ग्रंथ। अगर आपको इसके बारे में और अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि हम हिस्ट्री के स्टूडेंट्स तो हैं नहीं कि हमें इसका पूरा पता हो कि महाभारत कब हुई थी, ये क्या हुआ था, भगवद गीता के क्या क्या चीज़ है अंदर, मैं आपको ब्रीफ में आपके अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंगली बता रही हूँ, क्योंकि कई ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको ज़ीरो पता होगा इसके बारे में, तो उनकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाए, इसलिए मैंने बिल्कुल इसको सिंपल वर्ड्स में लिखा है ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ और आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका पता हो। हमें साइकोलॉजिकल वे से करना है इसको। ओके गाइस, तो इस तरीके से जो कृष्ण जी हैं वो आते हैं और उनकी हेल्प करते हैं कि उनको कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए, जो उनकी दुविधा है उसको दूर करने में, ऑब्जेक्टिव वे से थिंक करने में मदद करते हैं, क्योंकि वो सब्जेक्टिव वे से सोचने लग जाते हैं कि मेरा ये वो ब्रदर है या मेरा वो रिलेटिव है। इसके साथ ही उनके अंदर ये फीलिंग आती है कि मुझे ये प्लेजर मिलेगा या नहीं मिलेगा, किंगडम में लूँ या ना लूँ, किसके किस पे फोकस करूं, तो ऐसी दुविधा में अर्जुन जी की हेल्प करने आते हैं कृष्ण जी। तो गाइस, जो हमारी भगवद गीता है उसमें 18 चैप्टर्स हैं टोटल, और हर एक चैप्टर को बोला जाता है योग, या कहीं योगा भी बोल देते हैं, पर मेनली मैं अभी योग वर्ड यूज़ करूंगी कि इसमें 18 चैप्टर्स हो और हर चैप्टर को हम बोलते हैं योग। ओके, तो योग का मतलब क्या है ये भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है थोड़ी सी टर्म्स, कि योग इज़ टू ट्रेन द बॉडी एंड माइंड टू अवॉइड वीकनेस, डिप्रेशन, डिस्ट्रेस, डिजेक्शन फ्रॉम द एंगेज इन इफेक्टिव एक्शन और कर्मा। तो जैसे कि हम बात करते हैं, हम नॉर्मल लाइफ में खुद को भी ये बोलते हैं कि हमने अपने बॉडी एंड माइंड को ट्रेन करना है और अपने डिप्रेशन, डिस्ट्रेस, डिफेक्शन से दूर रहना है, ताकि हम अच्छे से रह पाएँ, अपने काम अच्छे से कर पाएँ, दैट इज़ कर्मा, ठीक है। अगर वो हम अच्छे से कर पाएंगे तो हमारी लाइफ अपने आप ही अच्छी होने लग जाएगी। तो वही चीज़ योग में भी बताई गई है, अगर हम अपने माइंड और बॉडी को ट्रेन कर लेते हैं तो हम अपनी वीकनेसेस को, हमारी टेंशंस को दूर कर सकते हैं और अपने कर्म को इफेक्टिव बना सकते हैं। ओके गाइस, तो योग का सिंपल मीनिंग ये है, और ये भी हमारे साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से ही रिलेटेड है। और गोल का, जैसे हमने वहाँ पे बात की थी कि साइकोलॉजी, ईस्टर्न साइकोलॉजी का मेन गोल है सेल्फ रियलाइजेशन, तो उसी तरीके से योग का मेन मोटिव जो है वो है अटेनमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस, कि हमें अपनी कॉन्शियसनेस की हम आज के टाइम पे क्या कर रहे हैं वो हमें जानकारी होनी चाहिए, हमारी आइडेंटिटी की हमें जानकारी होनी चाहिए, कि हम फॉल्स ईगो पर अपने आप को वेस्ट ना कर दें कि हम हमारा ये ईगो है हम उससे नहीं लड़ सकते, या मेरा ये ईगो है मैं उससे लड़के रहूँगा। तो ऐसी जो चीज़ें हैं वो हमारी लाइफ को इफ़ेक्ट करती हैं, हमारी जो कर्म है उनको इफ़ेक्ट करती है, तो हमें अटेनमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस चाहिए कि हमें आज पे बिलीव करना है और आप जो करने वाले हैं उसमें ईगो वगैरह आपका नहीं होना चाहिए। ओके गाइस, तो इसके साथ ही योग जो है हमें कॉन्शियसनेस अटेनमेंट के लिए भी ज़रूरी है। तो अल्टीमेट कॉन्शियसनेस कैसे आएगी, अगर हमें आ रही अपनी सेल्फ रियलाइजेशन हो जाएगी हमें कि हम क्या करना चाहते हैं, तो उस तरीके से योग हमें हेल्प करता है अल्टीमेट कॉन्शियसनेस को अटेन करने में और अपनी कॉन्शियसनेस को अटेन करने में, ताकि हम अपनी ईगो को कम कर पाएँ, प्योरीफाई कर पाएँ और स्पिरिचुअल वे से कर पाएँ, अपनी लाइफ को आगे बढ़ा पाएँ। ओके गाइस, तो इसके साथ जो इसके फर्स्ट चैप्टर्स हैं, 18 चैप्टर में से फर्स्ट जो 6 चैप्टर्स हैं वो रिलेटेड हैं हमारे कर्म योग से। ओके गाइस, तो कर्म योग जैसे कि हमारा हो गया, हमारे एक्शंस से रिलेटेड है कि हमारे एक्शंस जो होंगे हमारी अटेनमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो इनके ये चैप्टर्स हैं, आप इनके नाम देख लीजिएगा, बस एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बस ये थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं कि आपको आ सकता है कि कौन से चैप्टर्स इसमें इंक्लूडेड हैं या नहीं है, तो इसलिए थोड़े से आप इनके नाम देख लीजिएगा। इसके साथ ही जो मिडिल 6 चैप्टर्स हैं वो हैं हमारे भक्ति योग से रिलेटेड, ठीक है गाइस। तो वो हमारे भक्ति योग क्या है, हमारे प्रिंसिपल फॉर डिवोशन से रिलेटेड है, कि हमने अपने आप को, जो कि हम परमात्मा की बात कर रहे हैं, तो उन उन उनको डिवोट कर देना है खुद को उनकी तरफ। और जो हमारे लास्ट वाले 6 चैप्टर्स हैं डैट इज़ रिलेटेड टू अवर जनन योग। तो जनन योग हमारी रिलेटेड है नॉलेज से रिलेटेड, हमारे इंटेलेक्ट से रिलेटेड, कि हमें इंटेलेक्चुअल हमारे अंदर एबिलिटी होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए कुछ चीज़ों की, ताकि हम अच्छे तरीके से डिसीजन मेकिंग कर पाएँ, क्योंकि अगर हमारे अंदर इंटेलेक्ट होगा, बुद्धि होगी, तो हम अच्छे से डिसीजंस भी ले पाएंगे अपनी लाइफ से रिलेटेड। तो उससे रिलेटेड जो चैप्टर्स हैं वो लास्ट वाले जो 6 चैप्टर्स हैं डैट इज़ दीज, तो वो 6 चैप्टर्स हमारे जनन योग से रिलेटेड हैं। ओके गाइस, तो इस तरीके से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है, तो जिसमें हमने बात की है कि कौन से चैप्टर्स हैं और भगवद गीता की कंस्ट्रक्शन कैसे की गई है। तो अगर आपको इनमें से कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ये थोड़ी सी बेसिक कंस्ट्रक्शन है भगवद गीता की। ओके गाइस, तो आपको मिलती हूँ मैं अपने
पार्ट 3 में मिलूंगी आपसे। टिल देन टेक केयर। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि आपसे कोई वीडियो मिस ना हो जाए गाइस, क्योंकि हम भगवद गीता इस वीक में कंप्लीट कर लेंगे और नेक्स्ट वीक में मैं कंप्लीट करवाने वाली हूँ लेसन आपको बुद्धिज़्म, सूफिज़्म और इंटरनल योग, तीनों टॉपिक्स पर नेक्स्ट वीकेंड तक आपके पास वीडियोस पहुँच जाएंगी। ओके गाइस, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।